नमस्कार मित्रों, मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर अर्चना फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। आज का टॉपिक है जीवन अभी जिए, हर पल भरपूर जिए। दोस्तों, अधिकतर हम काफी फ्यूचरिस्टिक होते हैं अपनी सोच में, यानी दिमाग लगा रहता है हमेशा कल की प्लानिंग में, और ये भूल जाते हैं कि आज वही दिन है जिसकी हमें कल चिंता थी। यानी आज जो है वो बीते हुए कल का आने वाला कल है, तो जो हमारी चिंताएं थी वो तो सच नहीं निकली। बहुत सारी चिंताएं ऐसी भी थी जैसा कुछ हुआ भी नहीं। तो चिंता करने की अपेक्षा क्या करें, ये देखते हैं। फ्रेंड्स, हम में से सभी लोग कभी ना कभी ये सोचते हैं कि जब अपना नया घर खरीद लेंगे, या जब नई कार आ जाएगी, जब लोन निबट जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब प्रमोशन हो जाएगा, जब सारी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, जब बच्चों की शादियां हो जाएंगी, जब रिटायर हो जाएंगे, जब कोई भी फला फला चीज हो जाएगी, तब टाइम मिलेगा तो आराम करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमने जाएंगे या और कुछ। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, जब वो दिन आएगा तब आएगा। मुट्ठी में तो आज है, कल हो ना हो किसे पता। उम्मीद तो करते हैं कि लंबा जिएंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में वो दिन आएगा भी तो उसका एक स्वाद होगा जो बढ़िया होगा, नो डाउट। लेकिन आज के दिन का स्वाद अलग है, और कल जो भी मजा आएगा तो जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो आज का दिन चल रहा है, अगर ये मिस कर दिया, इसका आनंद अगर मिस कर दिया, तैयारी करते करते, आगे की तैयारी करते करते, तो क्या होगा, वो चीज मिस करेंगे, और मिस करने पर हम कभी भी अपने पास्ट में रिटर्न नहीं हो सकते, ये तो हमें पता ही है। तो आज आज का मजा लें और कल कल का मजा लेंगे। हमेशा जीने की तैयारी ना करते रहें, थोड़ी बहुत तैयारी करें लेकिन पूरा का पूरा ध्यान तैयारी करने में नहीं बिताएं, क्योंकि लाइफ इज हैपनिंग नाउ। अभी भी तो लाइफ चल रही है ना, अभी कोई तैयारी थोड़ी चल रही है। ठीक है, तो आइए कल की चिंता छोड़ें और आज का भरपूर आनंद लें। जो अवेलेबल टाइम है उसी में से कुछ वक्त चुराएं और मस्त मगन हो जाएं। जितना है उसी में खुश रहें। मित्रों, कभी किसी का जीवन परफेक्ट या संपूर्ण नहीं होता। परफेक्ट होती है तो हमारी भावना और सोच। अगर हम डिटरमिन हो जाएंगे कि हमें खुश ही रहना है, इसको प्रायोरिटी बनाएंगे, तो हम कोई ना कोई कारण तो ढूंढ ही लेंगे खुश रहने का। तो आइए दोस्तों, कसम खाएं आज कि चिंता को छोड़ेंगे, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, शुक्राना करते रहेंगे रब का और सब का। जिसने हमारा भला किया, ऐसे बहुत लोग हैं, उनका दिल से शुक्रिया, और जो ना कर सका भला, ऐसे भी लोग मिले हैं, सबको मिलते हैं, तो उसको भी शुक्रिया करें आइए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बुरा फील करने में, और माफी भी है हमारे मन में। और इसके अलावा किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, तभी तो हमने नए नए हुनर सीखे और हम पहले से बेहतर होते गए। तो किसी ना किसी का साथ ना देना भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ठीक है, अब यही भावना लेकर शुक्राना करते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद मनाते हुए अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी कल दोबारा, और फिर और बातें करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।